तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको XMR के अंदर ड्यूल एग्जॉस्ट, जो कि बैंड पाइप के साथ लगाया गया, बैंड पाइप बनाया गया, इसका रेडीमेड नहीं आता है। पहले देख लो, ये रही वो XMR जो हमने जिसके अंदर किया है काम, तो और भी बहुत सारा इसके अंदर, शायद आपने पहले वीडियो देखी होंगी। और ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, अभी तक आपने देखा था सर हमारी वीडियो इसके अंदर RR310 वगैरह के अंदर जो हमने लगाया था, और ये फुल सिस्टम बैंड पाइप जो कि इसके अंदर बना के लगा दिया गया है। लुक चेक कर लो किस तरीके से इसका कर दिया गया है, पूरा नहीं दिखाऊंगा, इतना दिखाऊंगा। देखिए, ये देखो, देख रहे हो, पूरा बैंड पाइप है जो कि इसका बना दिया गया है। और अब सुन लो इसकी साउंड की, किस तरीके से साउंड इसकी आने वाली है। और ये प्रॉपर फिटिंग है, कोई जुगाड़ नहीं है, कहीं आप लोग सोच रहे हो कि जुगाड़ है। सर जी, जुगाड़ तो नहीं है? ना ना, जुगाड़ नहीं। इन्हीं की बाइक है, इसलिए भाई भी देखा, बेटे को ले वीडियो बना रहा है। कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अभी बाकी सुनो साउंड, अब आप भी साउंड सुन लो इसकी, किस तरीके से साउंड इसकी आने वाली है, फिर बताना कि किस तरीके से साउंड इसकी अच्छी लग रही है और कौन से एग्जॉस्ट के अंदर साउंड अच्छी लग। चलो और अब सुनाते हैं आपको नेक्स्ट एकरा का, जो कि एकरा मिनी है, इसकी भी साउंड सुनते हैं किस तरीके से आने वाली है इसके अंदर। एक एक करके आपको साउंड सुनेंगे जो जो इसके अंदर कैपेबल होंगे, बाकी लॉन्ग नहीं लगाएंगे, लॉन्ग लगेंगे तो अजीब लगेंगे। इसमें सारे जितने भी सारे शॉर्ट कैन लगाएंगे हम। नेक्स्ट एक बार थोड़ा सा लॉन्ग एकरा पे लेके देख लेते हैं किस तरीके से साउंड आती है, अगर अच्छी लगे तो इसकी भी सेटिंग बन जाएगी, इसी को दिक्कत नहीं है। लुक बड़ी जबरदस्त आ रही है लेकिन इसके पीछे से। नेक्स्ट ये आ गया आपका SC का कार्बन, जो कि आप देख सकते हो इसके अंदर अल्टीमेट फिनिश सुपर बाइक वगैरह के अंदर जो लगता है वो वाला है, जो कि आपको साउंड इसकी भी सुना देते हैं किस तरीके से आ रही है। तो इसकी भी अच्छी लग रही है साउंड, बाकी एक और चेक कर लेते हैं। जो आप कह रहे थे ना, जो ये भैया कह रहे हैं, जो हमने अप्रीलिया में लास्ट लगाया था, उसकी साउंड सुन लेते हैं कैसी आती है इसकी, क्योंकि आपको पता है सुपर बाइक वाले सुपर बाइक वाले होते हैं, फील भी सुपर वाले आ जाएगी। आप जरूर बताना कि आपको कौन सा समझ आया इस XMR के अंदर, क्योंकि बैंड पाइप तो बना दिया इसका। अगर आप लोगों को मंगवाना तो प्लीज गाड़ी लाने बड़ी, बिना गाड़ी लाने नहीं होगा जाना। जैसे कि मैंने बताया था, XMR अपनी रेडी हो रही थी एग्जॉस्ट के लिए, जो कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर कि ये देखो, ये एग्जॉस्ट उसके लग चुके हैं, जो कि आपको ड्यूल एग्जॉस्ट में पूरे प्रॉपर फिटिंग हो चुके हैं जैसे कि भैया ने हमें दिखाया था। और अब मैं दिखाने वाला हूँ बाकी चीज़ें, एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊंगा आपको एंड में, और उससे पहले दिखाया था क्या क्या लगा हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें लीवर गार्ड लगे हुए, जो कि आप देख सकते हो दोनों तरफ लीवर गार्ड लगे हुए। इधर भी एक बात बताओ ना, दो पूछो, ये जो लाइट लगाई ये भी आपने लगाई है? मैं नहीं मानता। क्या बात कर रहे हो, ये भी लगा देते हो? यस यार, ये अभी आपने तो मेन चीज देखी, मैंने एक सपना देखा था S2 पे, मेरे को ऐसी लाइट लगानी है और एक बंदे ने लगा रखी थी। उसके बाद ना इंटरसेप्टर है हमारे ग्रुप का ही है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, इतना बेशरम बंदा है वो। उसने बोला घर पे बंदा भेज दूंगा और घर पे आके लाइट लग जाएगी, आज तक नहीं लगी वो लाइट। भाई साहब आप नहीं, मैं समझ गया, मैं समझ गया, देखो ना अच्छी लग रही है दूर से ना, क्या ये दूर अलग से चमक रही है, क्या है ये? और पीछे आप मेन चीज दिखा दो, आप ही दिखाओ क्या है ये, बनाए हैं हमने। भाई साहब थोड़ा सा प्लीज, ये देखो क्या है, बढ़िया कर दिया यार, खतरनाक काम। और साउंड सुना चाहेंगे आप इसके, करें स्टार्ट अपने हाथ से, पाजी स्टार्ट कर रहे हैं, पाजी स्टार्ट सुनाते हैं इसकी साउंड आप सभी को, किस तरीके की साउंड आने वाली है इसकी। देखो साउंड सुना,
थी आपको पाजी ने इसकी किस तरीके से फिटमेंट आप चेकआउट कर सकते हो। ये था ना पीछे से देखो ना आगे से ना देखो तो ऐसे ही लग रहा है कोई सुपर बाइक है, मतलब कि एग्जॉस्ट इतना सुंदर लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रही है क्योंकि जो बैंड हमने ना बैंड पाइप बताई किसका यूज किया इसने, पर ये हमारे खुद का हैंडमेड है, हैंडमेड बैंड पाइप है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हमने क्या नाम है कोई वैसे बाहर से बनवाया, कुछ सारा कुछ हमारा खुद का है। पाजी कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं देख रही बाइक है कौन सी, XMR हीरो की XMR करिश्मा XMR। तो पाजी आप जैसे थोड़े से कंफ्यूज है ना, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में मेरे पास कोई भी बाइक लाएंगे आप तो वो मैं क्या कर दूंगा, जो नहीं होता मैं वो भी कर दूंगा। ये लाइट देख के मेरे को मजा आया सबसे ज्यादा ना। देखो पाजी को लाइट पसंद है इनकी ना, इनकी एक्सपल्स में लगाता हूँ, मैं भी अभी एक्सपल्स में लगाता हूँ इनकी, देखते हैं फिर उसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। लगा दूं एक्सपल्स में? H2 में, चलो H2 में लगा देंगे। तो नेक्स्ट H2 भी आएगी ना यहाँ पर। चलो जी, तो नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा ना H2 के साथ होगा, जो कि भैया लेकर आएंगे जल्दी। मैंने बताया था स्टार्टिंग ब्लॉग में कि अभी तो एक दो स्टार्ट हुई है, मैं H2 तक का काम यही करूंगा। ये सुपर बाइक का भी काम करते हैं और जब करवाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि ये भी होता है यहाँ पर, ये भी होता है। ठीक है जी, तो ये आपने देख लिया जो पाजी ने बताया, जो पाजी के H2 में लगवाने वाले हैं। इसका थोड़ा फॉग लैंप देखिए, ये देखो फॉग लैंप। पाजी एक चीज और देखो, ये देखो फॉग लैंप कहाँ लगा रखी है वही वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर फॉग लैंप है ना, वो हमने इसके जो विंग्स लगे हुए ना विंग्स के अंदर ही लगा रखा है। लुक चेकआउट कर लो कैसी आती है इसकी लगने के बाद, और अंडर फिटिंग है कोई आफ्टर, ऐसा नहीं कि बाहर से दिख रहा है कुछ हो रहा है, बाकी सब आपने देख ही लिया। ज्यादा वीडियो लंबा करने का लॉजिक है नहीं मेरा। सीट कवर इसमें लगे हुए हैं, टैंक पैड लगा हुआ है इसके अंदर, बाकी आप ज्यादातर मोड़ी में देखते रहो। टेल टेट इसमें लगी हुई है जो कि आप देख सकते हो, इंडिकेटर वही वाले जो इसमें लगे होते हैं। और लुक चेकआउट, लुक बड़ी मतलब जबरदस्त आ रही है, प्रोफेशनल तरीके से किया गया है, कोई जुगाड़ नहीं है इसके अंदर। बाकी आप सभी लोग बताना कि आपको कैसा लगा। इधर आपको देखने मिल जाएगा इसके अंदर, देख सकते हो ये इसके क्या, ये इसके फ्रेम स्लाइडर जो कि इसके अंदर लगा देंगे हमने सुपर बाइक वाले। आप लुक चेकआउट कर लो कैसी आती है इसके लगने के बाद दोनों तरफ से। और यहाँ पर आकर इसकी तो मोड़ कम्प्लीट, अब थोड़ा सा मिलना चाहेंगे भैया से भी, भैया को कैसा लगा। तो हाँ जी भैया जी बताइए। भाई बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया राजू भाई ने दूसरी बार। ट्रस्टेड बंदे हैं, आंख बंद करके आ जाओ इनके पास में, और मैं भी दूसरी तीसरी बार ही आ रहा हूँ भाई। ठीक है, फर्स्ट टाइम गए थे कहीं और? फर्स्ट टाइम तो हाँ गए था, गलत शॉप पर चले गए थे, उसके बाद से यही आ रहा हूँ भाई। और ये आज भी आया हूँ तो सिर्फ जो है मेरा बेटा साथ में आया हुआ है, क्योंकि राजू भैया के पास ही जा रहा है, और सरप्राइज ये हो गया कि यहाँ पे पाजी भी आए हुए हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा खुश हो गए, इसलिए सरप्राइज हो गया यहाँ पे। ऑल अबाउट सेटिस्फाइड आप? बिल्कुल। चलो ठीक है फिर, ओके बेटा, आप यहीं पर इसी के साथ ब्लॉग को करता हूँ एंड, जो काफ़ी लंबा हो चुका है। आज बिना माइक के मैंने बनाया, फर्स्ट टाइम ऐसा कि मैं बिना माइक के वीडियो बनाई है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है अगर मैं इसको माइक के साथ बनाता इसलिए। तो बाकी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बाकी अगर कोई मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है 7822172174, ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो कि आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, जो भी क्वारीज हो बता सकते हो, पूछ सकते हो, मंगा सकते हो। तो वीडियो चलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, राजू भाई को जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर भी सेम मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय मत दिन, गुड बाय।